शख्स लोकल लेवल पे आज स्पोर्ट्स कोचिंग कुछ इस तरह से होती है। कोच मैं कल से जहीर खान का एक्शन ट्राई करने की कोशिश करूं, मेरी बॉल स्पीड नहीं बढ़ रही है। अरे भाई तू थोड़ा तेज भाग, थोड़ा लंबा रन अप ले, कन्ना घुमा थोड़ा, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह तो चार स्टेप्स में 145 प्लस स्पीड पकड़ लेता है। अरे बुमराह यूनिक है, हर कोई यूनिक नहीं होता। तू जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। तो अगर मैं इस तरह से कोचिंग करता हूँ तो कई बार प्लेयर को पता नहीं लगता है कि उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये भी नहीं पता होता कि क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम। सब कुछ जो है ना गेस और फील पे चल रहा है, और इस चीज को ठीक कैसे करते हैं जो प्रॉब्लम है ये तो पता ही नहीं चलेगा अगर ये नहीं पता। इसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। और हम अनंत, आयुष, श्वेतांक, अमन एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की टीम इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं, ट्वीक लैब्स। ट्वीक लैब्स में हमने एक स्मार्ट वेरेबल बनाया है जो एथलीट का मोशन 3D में कैप्चर करता है। हम किसी भी एथलीट की उनके स्पोर्ट में उनकी एक्शन बारीकी से जांच करते हैं, और जो इनसाइट्स निकलते हैं वो उनको और उनके कोच को एक फोन ऐप में प्रोवाइड करते हैं एकदम तुरंत। हमने जो है इसके 12 सेंसर्स हैं जो बॉडी पे लगते हैं। ये सारे के सारे सेंसर्स बॉडी की अलग अलग लिम्स को कैप्चर करते हैं। एक एक करके ये स्ट्रैप होते हैं और हर मॉड्यूल हर अलग अलग लिम पे जाते हैं। उसके बाद प्लेयर को एक टी पोज में खड़ा होना है जिससे एक कैलिब्रेशन होती है। इस कैलिब्रेशन के बाद उसका पूरा मोशन 3D में कैप्चर हो रहा होता है। तो अब मूवमेंट जो अभी उसने किया है वो जो है 10 सेकंड के डिले के पास आता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्यों। प्लेयर जो है जब अपनी बॉल डाल देता है उसके बाद वो चाहता है कि वो आकर के अपना एक्शन वापस देखे। हम बेसिकली अब पूरी घुस जाते हैं उसके एक्शन में और वो सारी चीजें बताते हैं जिनको हम प्लेयर्स की KPI बोलते हैं। तो जो भी चीजें हैं जो कि ये किसी भी फास्ट बॉलर के लिए रेलेवेंट है हम वो सारी चीजें बता देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रंट फुट पे आते हैं उस पे इनका जो है ये थोड़ा सा पीछे था, -5 degrees पे था फॉरवर्ड बेंड। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम बना है और ऐसे करके हम जा करके हर ऐसे पैरामीटर्स को ऐसे लिस्ट कर देते हैं ताकि अपने आप कोच को पहली बॉल डालते ही समझ आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। शार्क्स, हम इस तरीके से चाहते हैं कि हर एथलीट अपनी स्पोर्ट्स की बेस्ट कोचिंग कर सके टेक्निक के साथ में, ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल डिस्कवर कर सके। अब सिर्फ इंडिया में क्रिकेट ही नहीं, हम दुनिया भर के अंदर हर स्पोर्ट के अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं। हम इसके लिए 40 लाख रुपीस रेस करने आए 2% इक्विटी स्टेक पे। अब शार्क्स, हम इस स्पोर्ट्स के रेवोल्यूशन में आप सबको जोड़ना चाहते हैं ताकि नो एथलीट इज लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल, आप चारों इक्वल को-फाउंडर्स हो इसमें? नहीं, इक्विटी स्टेक में मेरा और अनंत का 33.2% है ईच। हां ईच। आयुष का 19.4 है, अमन सर का 13.4 है। तो जैसे अभी आपने मोशन कैप्चर देखा, अगर आप ऐप में देखते तो देयर वर सेवरल इवेंट्स, तो हमने पूरे रनअप को 5 इवेंट्स में डिवाइड किया, वो सब ऑटोमेटिक हुआ। एक पहला होता है प्री इंपल्स, इंपल्स, बैक फुट कॉन्टैक्ट, फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट और रिलीज। तो ये सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं, मेरे जंप अपने आप डिटेक्ट ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? सेंसर को ट्रैक कर रहे हो ना आप, इसमें AI कहां से? सेंसर को ट्रैक करके सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम इसके पूरे की, यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर बॉल का कहाँ पर है। सेंसर को पता नहीं ना कि ये क्रिकेट पे अभी मैं लगा हूँ, क्रिकेट के लिए कोई खेल रहा है या बॉलिंग कर रहा है, वो सेंसर को नहीं पता। सेंसर तो अपना डेटा प्रोड्यूस कर रहा है सेम लेवल पे। गुड पॉइंट। पर ये वीडियो सेंसर से नहीं हो सकता, जैसे क्रिकेट तो बहुत ही रिच स्पोर्ट है, जब वर्ल्ड कप भी हम देखते हैं वो सब थर्ड एम्पायर को जाता है, वो सब कुछ बता देता है कि विकेट को लग रहा था, ट्रैक क्या कर रहा है, स्विंग कैसा हो रहा है, तो वो सब भी तो वीडियो से ही हो रहा है। जी जी जी। तो उसके लिए बहुत सारा एनोटेटेड डेटा चाहिए होता है वो, तो आपको कैमरा से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पर बहुत लोकल लेवल पे या इन सारी जगहों पे इतने सारे कैमराज लगाना ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप है। और ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये कोच को, ये एक कोच के पास एक सेट रहेगा या ये B2C भी है? अगर मुझे अपनी गेम इंप्रूव करनी है तो मैं लेके खरीद के खुद कर सकता हूँ? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, हमारे पास में दोनों मॉडल हैं। एकेडमी खरीद सकती है इसको और रेंट पे ले सकती है, प्लेयर्स को प्रोवाइड करा सकती है, और ये शेयरेबल मॉडल्स है। तो एक मॉड्यूल जो है ये जैसे अभी इसने स्ट्रैप पे लगाया और आपके सामने ही लगा लिया, तो ऐसे एक प्लेयर उतार के दूसरे को दे सकता है जब नेट्स में चेंज हो रहा है प्लेयर। तो इस तरीके से 10 प्लेयर भी एक मॉड्यूल को शेयर कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यार मेरे को सिर्फ स्ट्रैप नहीं ना, मेरे को बॉडी सूट भी पहनना पड़ेगा ना? बिल्कुल जी, बॉडी सूट प्लेयर ऑलरेडी पहन। ये तो बड़ा ही गंदी चीज है, किसी बंदे का पसीने वाला बॉडी सूट दूसरा बंदा क्यों पहनेगा? तो आप अपने लिए पर्सनल भी खरीद सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। क्या कॉस्ट होगी पर्सनल खरीदने की? सो वी आर ऑफरिंग इट एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीस पर मंथ।
रेंटल पर मंथ? यस। अगर आउटराइट परचेज करना है तो टोटल कॉस्ट क्या है? तो आउटराइट परचेज हम अभी नहीं दे रहे हैं और हम सर्विस बेस्ड मॉडल पे ज्यादा वो करना चाहते हैं। अभी तक कुछ हमने जो है एक कोच के पास गए थे, हमने बोला था सर्विस मॉडल, पर वो इतने अर्ली अडॉप्टर थे, वो कह रहे थे कि उनको चाहिए ये चीज, उनको बहुत पसंद आया था, तो हमने उनकी एकेडमी में जाकर के डिप्लॉय कर दिया। तो हमने एक उनको किट दे दी थी। अदर देन दैट हमने जो वर्कशॉप कराई है, हमने 2000 रुपीस की कॉस्ट रखी थी इस वर्कशॉप में। कम किट्स होने की वजह से हम अभी 15 लोगों को सर्व कर पाए उसमें से। पर इसका कॉस्ट क्या है सेंसर का, मतलब अभी के लिए? अगर हम 100 किट बनाते हैं तो फिर उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35,000 है। 35,000 की सेंसर्स? 100 किट्स पर यूनिट कॉस्ट इज 35,000। यस। तो तुम्हारी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है ना, तुमने जो सेंसर है वही तुम्हारे बिजनेस को इनहिबिट कर रहे हैं। ये अगर तुम 500 रुपए 1,000 रुपए में बना लो, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मे भी 1,000 नहीं बनेगा, बट 1,000 रुपए में बना लो तो बेच दो अमेज़न पे। ये तो फ्री जाने चाहिए सब कस्टमर्स। और फिर ऐप डाउनलोड करा के बच्चा अपना खुद देखता रहेगा, और अगर तुम उसको कंसल्टेशन चाहिए कि नहीं मेरे को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, वो बटन दबाएगा, पैसे पे करेगा, तुम वहाँ पैसे कमाना। ये बात है। तो सेंसर बनाने में जो है थोड़ी बहुत मिनिमल कॉस्ट जाएगी, वो बाद में जाकर के हम स्केल करके हम बहुत कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे। जब हम वो अफोर्ड कर पाएंगे तब हम वो डेफिनेटली एनेबल कर। कहाँ तक ला पाओगे 35 से, कहाँ तक ले आओगे? तो हमें ये दिखाई दे रहा है 25,000 तक पहुंच जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप B2C में क्यों नहीं जाना चाहते? B2C मॉडल में जाएं। हाँ जी। अब मेरे को ये यूज करना है तो मेरे को इसकी कॉस्ट जो 25,000 रुपए आपको आ रही है ना, वो बहुत हाई है। यही कॉस्ट 2-3,000 रुपए में हो जाए तो फिर स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जाना चाहते हैं हम, बस लग रहा है कि लाइक थोड़ा टाइम लेकर के जाना चाहते हैं। हमारा आज टारगेट ऑडियंस इज सीरियस स्पोर्ट्स पीपल इन द बिगिनिंग, जिनकी हम बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जब स्केल करेंगे तो हम B2C वाले सेगमेंट में जाएंगे। राइट। कब कितना सेल होगा, ऐसा कोई प्रोजेक्शन बनाया हमने? हाँ, थोड़ा सा मार्केट साइजिंग करी हमने। तो इस देश में 10 लाख एक्टिव क्रिकेट प्लेयर हैं, सेमी प्रोफेशनल सीरियस। सीरियस? हाँ। अच्छा। उसमें से आप समझ लीजिए 10% होंगे जो क्रिकेट अकेडमी जाते हैं। 1,00,000 हो गया। 1,00,000 हो गया। इसमें से जो है हम कह रहे हैं कि 20% लोग को हम टारगेट करते हैं। अभी 20,000 हो गए। तो 20,000 प्लेयर। हाँ जी। हमारा जो KPI है वो हमारा है नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो वो जो है हम कह रहे हैं कि 1,000 रुपीस पर मंथ देंगे 20,000 प्लेयर्स। कितना हो गया? तो 24 crores। ये हो गया आपका साल का एनुअल? एनुअल। हाँ। प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज में है मेरे लिए, एंड वैल्यूएशन काफी हाई है फॉर समथिंग दैट्स प्री रेवेन्यू। So I'm out. Absolutely. मेरे को बस यही लगता है कि इसका ना एक रेवेन्यू मॉडल बहुत लिमिटेड रहेगा आफ्टर अ टाइम। ज्यादा प्रोफेशनल बॉलर्स ही यूज करेंगे, और उसमें भी जब वो बन जाते हैं अच्छे बॉलर तो वो थोड़ा यूज करना कम कर सकते हैं। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मुझे सबसे ज्यादा जो इश्यू लग रहा है ना इसमें, हार्डवेयर का लग रहा है कि ये डैमेज होता रहेगा मेंटेन। आप 1,000 रुपए भी ले रहे हैं प्लेयर, सो साल का आपने 12,000 रुपए ले लिया। जी जी। दो प्लेयर ने भी यूज किया तो एक साल तो खाली हार्डवेयर कॉस्ट रिकवर करने में लग जाएगा, और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट और। नहीं जी, हार्डवेयर कॉस्ट अलग थी। ये सब्सक्रिप्शन प्राइस जो प्लेयर पे कर रहा है अपनी एनालिटिक्स को एक्सेस करने के लिए पर प्लेयर। हाँ, हार्डवेयर के लिए हमने किट के हिसाब से 5,000 रुपीज पर मंथ रेंटल, जो अगर अकेडमी लेती है तो वो अलग से पे कर रही है। तो हार्डवेयर की कॉस्ट ऐसे। चल मैं एक ऑफर देता हूँ, मैं 40,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ, बट मेरे को इसमें 8% इक्विटी की। मेरा भी सेम ऑफर है, और मैं साथ आने के लिए भी ओके हूँ। हाँ ठीक है, चलो मैं 40 लाख में आपको 7% में रेडी। आप नहीं तो ऐसा करो, आप 60 लाख हम तीनों से ले लो, 12% कर दो, खत्म करो। 12% दे दो। डील डन। आपको 5 मिनट लेना तो आप बात कर सकते हो आपस में। ठीक है, ठीक है। What's up, guys? मैं एक काउंटर ऑफर करना चाह रहा था। अरे यार, आप लोग कंसिडर करेंगे 6% पे?
यार बहुत हाई वैल्यूएशन। हमको देखो इसमें आना है पूरा दिल लगा के यार, टाइम लगा के। देख तू, तूने अभी तक एक कस्टमर है ठीक है, इसको प्रूव करना है इनफ डेटा भी नहीं अंदर आने के लिए, हम तो तेरे पे पंट ले रहे हैं। ना आप जिस चीज पे काम कर रहे हो उसके लिए मैं इंजीनियर्स ग्लोबली हायर कर रहा हूँ, ग्लोबली। तो इसमें ना नेगोशिएट नहीं करते मेरे हिसाब से डील में, बिकॉज ये बहुत अर्ली है। इट्स अ फेयर डील। ये हमारा फाइनल काउंटर ऑफर आपको रहेगा 60 लाख पर 8%। 60 लाख 10% डील। हमारा 8% फाइनल ऑफर है। हम 10 पे आ गए, अब इससे नीचे नहीं आ रहे। We are ready to go with it. Deal करते हैं। All right. Good decision. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.